तीन फिल्में जो बहुत ही अतरंगी कॉन्सेप्ट पर है। पहली फिल्म है मोमेंटो। अब इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक आदमी हर 15-20 मिनट में अपनी याददाश्त भूल जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अब आप सोचोगे तो गजनी में देखा था, गजनी इसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थी फिल्म, पर गजनी ऑल टुगेदर अलग फिल्म है, कॉन्सेप्ट इसी से इंस्पायर्ड था। तो ये फिल्म ऐसी है ना कि अगर आप रिवर्स भी देखोगे ना, मतलब पूरी फिल्म देख लो, उसके बाद इसे एडिट करके फिर से उल्टी फिल्म देखोगे ना, वो भी अपने आप में एक फिल्म है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फिल्म बनाई और एडिट करके ऐसा स्क्रीन पे चलता है ना कि मजा आ जाता है देखकर, कितना दिमाग लगाया किसी बंदे ने और कितने तरीके से जोड़ा है सब चीज़ को, तो ये जरूर देखना। दूसरी फिल्म है आंखों देखी, 2013 की हिंदी फिल्म है। अब ये फिल्म सिंपल लगेगी क्योंकि दिल्ली की एक फैमिली की कहानी है। उसमें जो फादर का करेक्टर है, जो लीड करेक्टर है, वो एक दिन कह देता है कि मैं किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करूंगा जिसे मैं आंखों से नहीं देख सकता अपनी। बस तो कोई कहता है कि आपने शेर देखा है, कर नहीं तो शेर नहीं है, कर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा तो मैं नहीं मानता। पर वो इंसान किस तरीके से दुनिया को देखने लगता है और फिर क्या चीज़ें होती हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। तीसरी फिल्म है ग्राउंड हॉग डे, 1993 की फिल्म है। एक टीवी रिपोर्टर एक इवेंट कवर करने जाता है, वो इवेंट कवर करता है, रात को आके सोता है, फिर वापस उठता है, वही सेम दिन रिपीट हो रहा होता है, सेम दिन बार बार रिपीट होता रहता है। एक ही दिन को कैसे अलग बनाए, वो अलग तो ही नहीं सकता, सेम ही दिन हो रहा है बार बार, आपके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, तुम कुछ भी कर लो अगले दिन सेम दिन होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे काफी और फिल्म भी बनी बाद में, जैसे एज ऑफ टुमारो। बाकी आप बताओ ऐसी कोई अतरंगी इंटरेस्टिंग फिल्म वियर्ड कॉन्सेप्ट पर कि यार ये तो फिल्म बहुत ही अलग सी थी, उसका नाम कमेंट में।